नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज के हमारे इस क्लास में हम बात करेंगे SQL सर्वर के बारे में। यह हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस है जिसमें हम SQL सर्वर एंड उसकी जो क्यूरी स्टेटमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मिस्टर जगदीप है जो कि ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन इस जून क्लासेस से। तो जी हमारे साथ ज्वाइन किया है और आज हम बात करने जा रहे हैं SQL सर्वर में। हम बात करेंगे आपके साथ एंड और जो लॉजिकल कंडीशंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से SQL की यूज करते हैं वो हम आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमें डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है और डेटाबेस में हमारे साथ आईपीटी है। आईपीटी में हमने एक यहाँ से न्यू क्यूरी कनेक्ट कर दिया। हालांकि जो क्यूरी कनेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप टेबल को ही स्ट्रैक करें, आप लाइक यहाँ से अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया आपके सामने सेलेक्ट स्टार, हमने दिया फ्रॉम टेबल हमारा है डेटा आ गया डेटा हमारा। उसके बाद जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे सारा डेटा आ जाता है। अब इसमें कंडीशन, जैसे मैं बताया था आपको कि इसमें वेयर कंडीशन लगता है, कि यहाँ हम वेयर कंडीशन लगा सकते कि वेयर हम दे सकते हैं यहाँ पे कि सेल्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। तो अब जब एग्जीक्यूट करूंगा इसको तो 50 से ऊपर वाला ही आएगा। देखिए जब दो कंडीशंस होती हैं तब क्या करते हैं, तब यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला एंड का, एंड सेल्स इज लेस देन इक्वल टू हम देते हैं यहाँ पे 60 या 80। तो बिटवीन के लिए तो हमने कल आपको बिटवीन का ही ऑप्शन बताया था, बिटवीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंड का इस्तेमाल इतना ही नहीं होता है। एंड का इस्तेमाल मल्टीपल रिक्वायर कंडीशंस के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे टीम में टीम सी, रीजन में हमें फ्लोरिडा, और हमारा लॉगिंग हमारा मान लीजिए कि हमारा जो लॉगिंग आवर्स है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। समझ गए जी। तो हमने यहाँ पे किया टीम, हमने टीम को सिलेक्ट कर लिया, बोला टीम। अब यहाँ पे हम देंगे लाइक कमांड क्योंकि टेक्स्ट में इक्वल नहीं लगता है, ठीक है। और फिर एंड हमने दिया और एंड हमने बोला रीजन, रीजन इक्वल टू हमने बोला फ्लोरिडा। यहां भी इक्वल नहीं होगा, यहां भी लाइक होगा। और सिंगल कोड में हम देंगे एफ एल ओ आर आई डी, स्पेलिंग से होना चाहिए फ्लोरिडा। और फिर यहाँ पे एंड हम करते हैं और करते हैं लॉगिंग आवर, लॉगिंग आवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और भी कंडीशंस हैं तो आप एंड 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 लगा के कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि फ्लोरिडा का ही है जी, मैं कोई डेटा नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखा है। अब सी के जगह पे मैं काम करता हूँ, सी कर देता हूँ। अब स्क्रिप्ट कीजिए, अभी भी नहीं है। ए फ्लोरिडा का स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है ना। एक काम करता हूँ एफ एल के साथ जो ए ए ए लिखा है, क्या बोल रहे हैं? टीम टीम ए तो नहीं है वो फर्स्ट कॉलम या ए बी सी? हाँ, ये लाइक हो गया ना। लाइक में हमें दोनों तरफ स्टार देना होगा ना, क्योंकि एग्जैक्ट मैच करना है। स्टार देना पड़ेगा। हमने ए बी सी डाल दिया, या फिर टीम सी पूरा लिखना पड़ता है। टीम सी यहाँ पे फ्लोरिडा और ग्रेटर, तीनों कंडीशन मैच हो गए। तो यहाँ लाइक कमांड में अगर आप इक्वल कर
चाहते हो तो पूरा लिखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कंटेन्ड हो या स्टार्ट विथ हो या एंड विथ हो, जो कि लास्ट क्लास में हमने बताया था, उसके लिए हम यहाँ पे परसेंटेज का यूज करते हैं। जी क्लियर है सर, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। अब इसी तरह से हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, एंड का इस्तेमाल समझ में आ गया। अब हम और का इस्तेमाल पूछते हैं, मतलब कि मुझे इसमें टीम बी भी चाहिए, टीम सी भी चाहिए, ठीक है, मतलब कि मुझे एक ही में कई सारे, तो यहां पे हमने लिखा कि टीम लाइक, हमने और हमने दिया ऑल्सो टीम, सिंगल कोड हमने बंद नहीं किया अभी, तो ना इसलिए रेड हो रहा था। टीम लाइक टीम, और ऐसे और भी चीजें दे सकते हैं, और जरूरी नहीं कि एक ही कॉलम है, आप कॉलम भी चेंज कर सकते हैं कि और हम इसमें और में कर देते हैं रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, और इसको मैं यहां से स्किप करता हूं। आगे सर, तो और में यहां एंड और दोनों लगाया, तो इसमें क्या हुआ कि यहां देखिए टीम सी और बी आ रहा है, एंड गलत है, यहां पे और होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाता है। मान लीजिए कि मुझे एंड और दोनों लगाना है, मतलब कि मुझे रेवेन्यू 500 से 800 के बीच में चाहिए, तो यहां हम ब्रैकेट में देंगे और यहां देंगे, लगाएंगे फॉर्मूला एंड या बिटवीन जो लगाने लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो इस तरह से ब्रैकेट का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है सर? सर ये टीम अभी मल्टीपल ही दिखा रहा है, ये सी नहीं दिखा रहा है। क्या टीम्स? हाँ तो टीम में हमने सी और बी दोनों लिया है ना, और लगाया ना इसमें हमने। ओके सी एंड रेवेन्यू, वो ई भी दिखा रहा है ना। क्या इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ई भी दिखा रहा है ना, लगा हुआ है कि और रेवेन्यू 500 से 800 के बीच में चाहिए। ओके 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 ठीक है। और हमने लगाया मतलब कि और से मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू को इससे मतलब नहीं है कि कैलकुलेटर जो है इसको चेक करेगा, क्योंकि ये और है। अगर मैं यहां एंड लगा देता हूं तब ए चेक करेगा, जैसे कि मैं यहां पे इसको ब्रैकेट में रखता हूं, देखिए याद रखिए ब्रैकेट करना जरूरी है जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, टीम बी और सी ही दिखेगा और रेवेन्यू ग्रेटर देन 500 दिखेगा, समझ गए? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें आपको? नहीं सर। तो हमने यहाँ पे एंड और को अच्छे तरीके से देख लिया, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? नहीं। अब चलिए मैं यहाँ पे दो टेबल क्रिएट करता हूं, हमें एग्जिस्ट जो कल की क्लास में हम छोड़ दिए थे उस एग्जिस्ट को हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे न्यू टेबल, दो टेबल में बना रहा हूं, ठीक है, इसमें हमने दिया यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे देता हूं नेम, डेटा टाइप नंबर करेक्टर 10 नहीं मैं करता हूं इसमें 50, और यहां पे सिटी, और यहां भी हम 50 कर देते हैं नंबर का, और यहां अमाउंट में हम यहां पे नंबर न्यूमेरिक कर देता हूं या इंच भी कर सकता हूं, इंट है ना? हाँ इंट है, ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, यस, और यहाँ पे हम दे देते हैं ex1,
पहले टेबल क्रिएट हुई। अब मैं इसमें वापस राइट क्लिक करता हूँ, न्यू टेबल पे जाता हूँ और सेम एक नया टेबल मैं यहाँ भी करता हूँ, यहाँ पे नेम के, हाँ नेम ठीक जी। और इसका नाम देता हूं मैं EX2। अब दोनों में डेटा भी डालना है तो डेटा एक एक टाइप करने में टाइम लगेगा, तो यहां पे नेम, सिटी और अमाउंट। तो मेरे पास क्या है, ये है बना हुआ है तो इजीली डेटा बन जाता है। कॉपी किया, टेबल पे जाते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, जो हमने टेबल बनाया वो लिस्ट आ जाएगा। आ गया, TX में जाता हूँ और यहाँ पे एडिट टॉप 200 और फिर मैं पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और पेस्ट। हो गया सर, इसको सेव कर देता हूँ। फिर इसको एक बार क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि मेरा रैन बिटवीन वैल्यू को चेंज कर देगा जी। इस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे गया एडिट 2200 और फिर से पूरे को रो को सिलेक्ट करके और यहाँ हमने पेस्ट मार दिया जी। हो गया, और यहां से इसको सिलेक्ट किया। ओके, अब हम यहाँ पे न्यू क्वेरी लेते हैं, ठीक है। मुझे यहां पे ये चेक करना है कि टेबल वन और टेबल टू के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां होगा सिलेक्ट Select star from select star from condition देना होगा यहाँ में, from किससे करना है तो EX1, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम देते where में हम condition लगाना है, where exist EXISTS ये था ना exist, ठीक है ना, exist, ठीक है। और उसके बाद हम bracket यहाँ पे bracket open करेंगे और यहाँ हम देंगे select, फिर से select सेलेक्ट स्टार। अब इसमें देना है ना दूसरे सेलेक्ट स्टार, यहाँ देता हूँ मैं फ्रॉम, कहाँ से EX2, यहाँ पे कंडीशन देता हूँ वेयर में हमने बोला यहाँ पे EX1.name is equal to EX2.name, ठीक है। और कोई कंडीशन मैच करना है तो मैच कर सकते हैं। अब मैं इसको यहां पे रन करता हूं, यहां देखिए सारे नेम आपके पास आ गए जो दोनों में ये एग्जिस्ट कर रहा है, समझ जी।
यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ देता हूँ नॉट लगा देता हूँ, नॉट है। तो हमें क्या करना है कि XT1 में एडिट करता हूं मैं, और यहां पे कुछ नाम देता हूं, जैसे मैं दे देता हूं कुमार, ठीक है, एक आध नाम और दे देता हूं टीना सर, ठीक है, हमने दो नाम दे दिए। अब यहां हम इस क्वेरी को रन करते हैं। एग्जिस्ट मतलब कि जो फील्ड आपने एक या एक से ज्यादा फील्ड में भी एंड लगा सकते हैं, कि दोनों का सिटी एक जैसा होना चाहिए, यहाँ पे आप जो है एंड लगा दीजिए, बोले कि भाई ex1.city इक्वल टू ex2.city, या और भी कंडीशंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसका आगे नॉट लगा दिया तो जो डेटा इन दोनों में नहीं है वो दिखेगा। इसमें क्या था कि यूनियन हम लोग यूज करते थे ना, तो यूनियन में क्या था कि पूरा का पूरा लाइन ऑफ डेटा मैच करता था जी। पर इसमें क्या है कि जो कॉलम आप चाहो वही कॉलम आपस में मैच करेगा, जैसे कि एक्सेल में वी लुकअप होता था जी। जी जी समझ गए जी सर। तो वी लुकअप का यूज करते थे सेम उसी तरह से। अगर आप चाहते कि नहीं जो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको अलग करना, तो सिलेक्ट इनटू का कमांड लगा दीजिए, इंसर्ट इनटू, याद होगा जी हाँ, इनटू कॉपी अलग बनाने के लिए। तो ये समझ में आ गया आपको जी? हाँ सर। अब हम इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे तरीके से। अगले क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे SQL सर्वर टेबल्स व्यू के बारे में, जिसमें होगा क्रिएट टेबल, सिलेक्ट टेबल, अल्टर वगैरह, टेबल पे जो यूज करते हैं हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा टाइप होगा, उसके बाद फिर हम बाकी जो हमारा टाइप आता है उसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि SQL के फंक्शन हो गए, SQL के क्लाउज हो गए, या SQL के आपके बाकी जो सिलेक्ट के अलावा इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड हो गए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से मैंने अभी जगदीप जी को ऑनलाइन क्लासेस दिया, उन्होंने मेरे साथ लाइव डिस्कशन किया, उन्होंने हर चीज को देखा, जहां पर उनको प्रॉब्लम आई उससे पूछी, मैंने उसको करेक्ट किया, रिपीट किया, और इस सेशन को हमने रिकॉर्ड भी उन्होंने कर लिया, हमने भी किया और उन्होंने भी किया। तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या होगा कि आप जो भी मुझसे चाहते हैं हर एक चीज हम आपको बताएंगे, और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी हम हाथों हाथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और क्लासेज इसी तरह से 1 से 5 बच्चों के बीच में होगा। अभी जगदीप जी को मैं इंडिविजुअली पढ़ा रहा था, अब ऐसा मैं नहीं कहा कि हर किसी को मैं इंडिविजुअली पढ़ाता हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बट हमारी 1 से 5 लोगों की बैच होती है, और बैच में कितने स्टूडेंट होंगे वो टाइम डिपेंड करता है टाइमिंग स्लॉट पे, मॉर्निंग इवनिंग के टाइमिंग्स पे ज्यादा लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें 3-4 लोग होते हैं, आफ्टरनून अर्ली मॉर्निंग इस बैच में बहुत कम बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो इसमें 1 या 2 बच्चे ही होते हैं क्लासेस में। तो हमारी इसी तरह से कोशिश रहती है कि हम जितना हो सके कम गैदरिंग में और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्लासेस पढ़ाने की शुरू करें। क्लासेस हमारी शॉर्ट भी होती है, लॉन्ग भी होती है। क्लासेस हमारी आपकी 35 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर्स की हुई होती है, मंडे टू फ्राइडे भी होता है और वीकेंड्स भी होता है। तो अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है, या फिर आप मेरी वेबसाइट www.iptindia.com को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का पूरा एड्रेस iptindia.com। मेरी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और वहां पे हर एक चीज आपको क्लियर मिलेगी कोर्स के बारे में। और YouTube पे मैंने 5000 वीडियोज को अपलोड किया है, तो 5000 वीडियोज आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उसको यूज करें। थैंक यू।